वन सेकेंड आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन इफ द लाइन वाई इक्वल टू एक्स प्लस थ्री मीट द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू नाइन एट ए एंड बी एक्चुअली मीट नहीं कहना चाहिए इसको क्या कर रही है कट कर, okay? तो कर रही है सर्किल ओके तो ये सर्कल को कट कर रही है फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास कोई सर्कल है और इसको कोई लाइन वाई इक्वल टू एक्स प्लस थ्री जो कट कर रही है इन पॉइंट्स पर तो आपको बताना है कि आ, तो दो पॉइंट पे कट कर रही है एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है तो आपको बताना है कि एक ऐसे सर्किल क्वेश्चन बनाना है जिसका डायमीटर ए बी हो तो एक यहाँ से एक सर्किल जाएगा जिसका डायमीटर क्या होगा ए बी होगा ठीक है ना हमें एक ऐसे सर्किल क्वेश्चन बताना है जिसका डायमीटर हमारे पास ए बी होगा हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेशन अनलिमिटेड स्टडीज हूँ अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर उठा रहे हैं हम कि यहां पे क्वेश्चन है कि 81 की पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस एटी की पावर कॉस एक्स इक्वल टू अगर 30 है तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है ओके okay, तो ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया इफ 81 वन टू दाइन स्क्वायर एक्स प्लस एटी की पावर कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू थर्टी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x तो मैं इसको लिख सकता हूं नाइन टू पावर टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस नाइन टू द पावर टू होल कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू थर्टी सो इट विल बिकम नाइन की पावर टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस नाइन की पावर टू वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू थर्टी ब्रेक कर दिया तो नाइन की पावर टू साइन स्क्वायर एक्स नाइन की पावर टू इंटू नाइन की पावर माइनस यहाँ पे आ जाएगा टू साइन स्क्वायर एक्स ओके इक्वल टू थर्टी सो नाइन की पावर टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस नाइन की पावर टू एट्टी वन अपॉन नाइन की पावर टू साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू थर्टी अब इस एक्सप्रेशन को मैं वाई मान लेता हूँ तो ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाई प्लस एट्टी वन अपॉन वाई इक्वल टू थर्टी वाई तो इसको सॉल्व किया तो वाई माइनस थर्टी वाई प्लस एट्टी वन इक्वल टू जीरो तो वाई माइनस ट्वेंटी सेवन वाई माइनस थ्री वाई प्लस एट्टी वन इक्ल टू जीरो तो वाई कॉमन लिया तो वाई माइनस ट्वेंटी सेवन माइनस थ्री कॉमन लिया तो वाई माइनस ट्वेंटी सेवन इक्वल टू जीरो फैक्टर करने पर आ गया वाई इक्वल टू ट्वेंटी सेवन एंड वाई इक्वल टू थ्री इफ वाई इक्वल टू ट्वेंटी सेवन मीनस नाइन टू दी पावर टू साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू ट्वेंटी सेवन इसको मैं लिख सकता हूँ थ्री की पावर टू की पावर टू साइनस स्क्वायर एक्स इक्वल टू ट्वेंटी सेवन थ्री की पावर फोर साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन को मैंने थ्री की पावर में लिखा तो थ्री की पावर थ्री सो फोर साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू थ्री साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू थ्री बाई फोर साइएक्स इक्वल टू अंडर थ्री बाई टू मीन्स एक्स इक्वल टू सिक्सटी डिग्री इसका पहला सोलूश हुआ बट हमारे पास एक कंडीशन और है वाई इक्वल टू थ्री की तो वाई इक्ल टू थ्री की कंडीशन लेकर के देखता हूँ तो नाइन की पावर टू साइन एस स्क्वायर एक्स इक्वल टू थ्री नाइन को मैंने लिखा थ्री का स्क्वायर इंटू टू साइनस स्क्वायर एक्स इक्वल टू थ्री थ्री की पावर फोर साइनस स्क्वायर एक्स इक्वल टू थ्री की पावर वन फोर साइनस स्क्वायर एक्स का कम्पेरिजन किया वन से सो साइनस स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन बाई फोर इक्वल टू वन बाई टू ओके साइन एक्स इक्वल टू यहाँ पर मैंने ले लिया वन बाई टू हाँ ये बात ज़रूर है कि मैंने यहाँ पर केवल पॉजिटिव केसेस लिए हैं साइनेक्स के निगेटिव केसेस मैंने नहीं लिए हैं ओके निगेटिव केसेस भी एक्सेप्टेबल होंगे तो मैंने उनको नहीं लिया है क्योंकि मेरे पास ऑप्शन उपलब्ध नहीं है तो मैंने केवल पॉजिटिव केसेस लेकर के दिए ले हैं तो देखिए यहाँ पे कितना आ गया यहाँ पे आके चुका है एक्स की वैल्यू थर्टी डिग्री और अगर एक्स की वैल्यू थर्टी डिग्री लेते हैं तो मतलब दो आंसर आ गए हमारे पास x इक्वल टू थर्टी एंड x इक्वल टू सिक्सटी अब मेरे मैंने उसके बाद भी आंसर से इस क्वेश्चन को रीचेक किया है थर्टी डिग्री पर तो थर्टी डिग्री पर साइन थर्टी होता वन बाई टू तो वन बाई फोर और कॉस थर्टी रूट थ्री बाई टू तो रूट थ्री बाई फोर सॉरी थ्री बाई फोर स्क्वायर हो जाएगा सो ये हो जाएगा थ्री क्योंकि पावर फोर लगी एट्टी वन की और ये हो जाएगा कितना थ्री बाई फोर ट्वेंटी सेवन दैट इज़ इक्वल टू थर्टी और सिक्सटी डिग्री लेने पर भी मेरे पास आंसर कितना आ रहा है एट्टी वन की पावर थ्री बाई फोर तो ये थ्री uh, की पावर uh, ये बन जाएगा थ्री की पावर थ्री दैट इज इक्वल टू ट्वेंटी सेवन प्लस थ्री इक्वल टू थर्टी तो दोनों केसेस में आंसर सही आ रहा है तो करेक्ट आंसर मेरी तरफ से क्या होगा सिक्सटी डिग्री एंड थर्टी डिग्री और यू कैन से इन रेडियन पाई बाई थ्री कॉमा पाई बाई सिक्स इज़ द आंसर ओके एवरी वन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है इफ़ द लाइन वाई इक्वल टू एक्स प्लस थ्री मीट द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू नाइन एट द पॉइंट ए एंड बी तो आपको इक्वेशन बताना है कि ऐसा सर्कल आपको इक्वेशन बताना है सर्कल का जिसका डायमीटर जो है ए बी हो तो यहाँ पर आपके पास में एक सर्कल जो है ऐसा सर्कल बताना है जिसका डायमीटर ए बी हो तो देखो इसको यदि शॉर्ट ट्रिक की भाषा से बात की जाए तो क्या करना पड़ेगा अपन को अपन को अगर शॉर्ट ट्रिक लगानी है तो सबसे पहले इन चारों के इन चारों के हमको क्या निकालने पड़ेंगे सेंटर निकालने पड़ेंगे और उन चारों को सेंटर निकाल करके सेटिस्फाई कराना पड़ेगा लाइन को तो जो सेंटर लाइन को सेटिस्फाई करेगा वही अपना क्या हो जाएगा सेंटर सर्किल एग्जैक्टली exactly वही सर्किल होगा तो हमारे पास यदि हम सेंटर को देखें तो पहली वाली कंडीशन में हमारे पास सेंटर क्या बन जाएगा पहले टू जी इक्वल टू थ्री है तो पहली वाली कंडीशन में सेंटर बन जाएगा ए ऑप्शन में थ्री बाई टू और माइनस थ्री बाई टू ठीक है ये बी वाली कंडीशन में सेंटर बन रहा है थ्री बाई टू कोमा थ्री बाई टू तीसरी वाली कंडीशन में हमारे पास सेंटर बन रहा है कितना आ, तीसरी वाली कंडीशन में हमारे पास सेंटर बन रहा है माइनस थ्री बाई टू और थ्री बाई टू और चौथी वाली कंडीशन में हमारे पास जो सेंटर बन रहा है वो कितना बन रहा है माइनस थ्री बाई टू माइनस थ्री बाई टू अब देखिए ये देखना है कि लाइन वाई इक्वल टू एक्स प्लस थ्री को कौन सेटिस्फाई करता है मोर बेटर मैं इसको लिख सकता हूँ वाई माइनस एक्स इक्वल टू थ्री मतलब ऐसा कौन सा इक्वेशन होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा वाई माइनस एक्स इक्वल टू थ्री तो पहला ऑप्शन देखिए वाई माइनस तो पहले ऑप्शन में पहले ऑप्शन में वाई माइनस एक्स इक्वल टू थ्री यदि मैं देखता हूँ तो पहले वाले ऑप्शन में माइनस थ्री बाई टू ओके okay. <coughs> पहले वाले ऑप्शन में माइनस थ्री सॉरी ये फर्स्ट वाले ऑप्शन में थ्री बाई टू एंड माइनस थ्री बाई टू है सेंटर तो हमारे पास कंडीशन क्या बन रही है वाई इक्वल टू एक्स प्लस थ्री तो वाई माइनस एक्स इक्वल टू थ्री आना चाहिए तो वाई इज इक्वल टू कितना है माइनस थ्री बाई टू और एक्स इक्वल टू कितना मेरे पास आ जाएगा माइनस थ्री बाई टू तो चेक करता हूँ क्या आता है ये अपने पास ये तो माइनस सिक्स अपॉन कितना हो गया टू दैट इज़ इक्वल टू माइनस थ्री तो करेक्ट तो आंसर मेरे पास कौन सा होगा ऑप्शन ए का ऑप्शन ए तो ये तो हो गया इसका फुल मेथड आप जो है सेंटर से मतलब चेक कर सकते हो कि कौन सा सेंटर बैठा हुआ है एग्जैक्टली exactly, जो सेंटर होगा वो लाइन को सेटिस्फाई करेगा क्योंकि ये लाइन जो है क्या है इसका डायमीटर बन रही है एक बात अब आइए इस क्वेश्चन के फुल मेथड की बात कर लेते हैं तो फुल मेथड में कैसे होगा क्वेश्चन आपके पास जो सर्कल दिया है वो दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू नाइन और इस सर्कल को एक लाइन जो है वो काट करके जा रही है जिसका नाम है वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री तो वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री कट पॉइंट पर जो है सर्कल को मीट करेगी सो आई कैन राइट हुआ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर इक्वल टू नाइन और इसको आप सॉल्व कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा हुँ? तो टू एक्स यहाँ से कॉमन ले लिया तो एक्स प्लस थ्री तो एक पॉइंट मेरे पास आ गया एक्स इक्वल टू जीरो एक पॉइंट मेरे पास आ गया एक्स इक्वल टू माइनस थ्री तो वाई की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी तो वाई इक्वल टू कितना जाएगा जीरो प्लस थ्री थ्री हो जाएगा और यहाँ पे वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी जीरो मतलब ये जो पॉइंट है जीरो कॉमा थ्री जो सर्कल के दो तो जो पॉइंट बन रहे हैं वो बन रहे हैं क्या एक बन रहा है जीरो कॉमा थ्री और एक बन रहा है माइनस थ्री कॉमा जीरो अब इसके बाद ये जो है सर्कल का डायमीटर है अब सर्कल के डायमीटर फॉर्म का इक्वेशन लगा दीजिए तो डायमीटर फॉर्म की इक्वेशन होती है एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू तो एक्स प्लस थ्री और यहाँ पे प्लस आता है वाई माइनस वाई वन वाई माइनस थ्री एंड वाई माइनस वाई टू इक्वल टू जीरो तो इसको सॉल्व करूँगा तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर का प्लस थ्री एक्स ओके एंड एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स और ये हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर माइनस थ्री वाई इक्वल टू कितना जीरो तो इक्वेशन क्या होगा सर्कल का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू जीरो जो कि अपना ऑप्शन नंबर ए है सो दिस इज द सॉल्यूशन चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन देखते हैं देखिए यहां पे क्या क्वेश्चन कह रहा है कह रहा है वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस वन के मूल जो है ए कोमा बी है मतलब यू हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फर्स्ट इज एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस वन और इसके जो रूट्स हैं इक्वल टू ज़ीरो के रूट्स कौन हैं ए हैं और बी हैं और जो अगला है इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो इसके रूट्स जो हैं वो क्या हैं सी हैं और डी हैं तो क्या क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि ए माइनस सी इंटू बी माइनस सी और ए प्लस डी इंटू बी माइनस डी सॉरी ए प्लस डी इंटू बी प्लस डी डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी तो आपको याद होगा इसके पहले मैंने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन कराया था जिसमें मैंने इसके बस की वैल्यू निकाली थी मतलब इतने पार्ट की ए माइनस सी इंटू बी माइनस सी प्लस ए प्लस डी इंटू बी प्लस डी तो आपने कैसे वैल्यू निकाली थी मैंने थोड़ी सी हिंट कर देता हूँ तो ए माइनस सी के साथ आपने फंसाया था बी प्लस डी को और बी माइनस सी के साथ आपने फंसाया था किसको ए प्लस डी को और फिर इसके बाद इसको सॉल्व किया था तो ये जो ऊपर का टर्म है इसकी वैल्यू फाइनली सॉल्व होकर आई थी क्यू स्क्वायर माइनस प्यू स्क्वायर तो ये भी अपने पास क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इसके अपॉन में बैठा हुआ है तो दोनों को डिवाइड कर देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी इसकी वैल्यू वन आएगी सो वन इज अवर आंसर इसका आंसर कितना होगा वन ओके फ्रेंड्स तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या कहा गया कहा गया कि वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स के मूल ए कोमा बी हैं और एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो के मूल c कॉमर डी हैं तो a माइनस सी इंटू बी माइनस सी और a प्लस डी इंटू बी प्लस डी अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा तो देखिए ऐसा क्वेश्चन हमने किया था जिसमें हमने बताया था आपको कि पहला इक्वेशन आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो जिसके रूट्स आपके क्या आ रहे हैं जिसके रूट्स आपके आ रहे हैं ए एंड बी ओके एंड दूसरा जो इक्वेशन आपके पास आ रहा है वो उसके रूट्स आपके पास आ रहे हैं क्या सी एंड डी तो दूसरा जो इक्वेशन है उसके रूट्स आपके पास आ रहे हैं सी एन डी तो ऊपर का जो प्रोडक्ट आया था उसको सॉल्व करके हमने निकाला था लास्ट क्लास में क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और डिनोमिनेटर में इसमें ऑलरेडी दिया गया है क्या क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर तो दोनों कैंसिल करके इसकी वैल्यू कितनी बनेगी वन तो इसका आंसर होगा वन तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टेन इक्वल टू जीरो है तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टेन की वैल्यू क्या होगी ये पूछा गया है आपको की, <coughs> इसकी वैल्यू क्या होगी तो देखिए x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टेन इक्वल टू ज़ीरो है तो इसको सॉल्व करिए तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा करके इसकी वैल्यू आती है माइनस टेन प्लस माइनस हंड्रेड बी स्क्वायर माइनस फोर सी तो प्लस फोर अपॉन टू आ गया एक सौ चार तो माइनस दस प्लस माइनस एक सौ चार बटे दो जिसको मैं लिख सकता हूँ माइनस दस प्लस माइनस तेरह गुणे चार बावन गुणे दो एक सौ चार अपॉन टू तो ये बन जाएगा फोर का रूट टू बाहर आ गया प्लस माइनस टू रूट ट्वेंटी सिक्स अपॉन टू तो ये बन गया कितना माइनस फाइव प्लस टू रूट ट्वेंटी सिक्स तो एक्स की वैल्यू हमारे पास रूट के फॉर्म में आ चुकी है अब हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टेन आप ध्यान से देखिए जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था वो था एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टेन इक्वल टू जीरो तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा वन अपॉन एक्स प्लस टेन मतलब वन अपॉन एक्स प्लस टेन खुद में ही x है तो इसकी जगह x रिप्लेस किया तो ये आ गया मेरे पास टू एक्स टू इंटू माइनस फाइव प्लस माइनस अंडर रू ट्वेंटी माइनस टेन प्लस माइनस टू रू ट्वेंटी आंसर ओके देखिए अगली प्रॉब्लम यहाँ पे है क्वेश्चन है अपने पास व्रत एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो किसी एंगल पे काटते हैं इंटरसेक्ट करते हैं किसी एंगल पे तो आपको वो एंगल बताना है तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे एंगल का फॉर्मूला जो होता है उसको याद कर लीजिए आप लोग एंगल का फार्मूला होता है कॉस थीटा इज इक्वल टू ये एक्यूट एंगल देता है आपको डी स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर माइनस आर टू स्क्वायर अपॉन टू आर वन आर टू ओके जो डी स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर माइनस आर टू स्क्वायर अपॉन टू आर वन आर टू ये फॉर्मूले से बनता है बहुत ईजिली बन जाता है आप बना के भी देख सकते हैं खुद से तो सबसे पहले डी क्या होती है यहां पे जान लीजिए डी जो होती है पहला सेंटर अगर सी वन है दूसरा सेंटर अगर सी टू है तो दोनों के बीच की दूरी जो होती है डी हुआ करती तो हमारे पास दो सर्कल है तो पहले वाले का सेंटर कितना होगा टू जी एक्स टू एफ वाई से माइनस वन बाय टू माइनस वन बाय टू क्योंकि सेंटर होता है माइनस जी माइनस एफ और सेकेंड वाले का सेंटर कितना होगा माइनस वन बाय टू कॉमर प्लस वन बाय टू अब हमने निकाली इन दोनों के बीच की डिस्टेंस डी इक्वल टू सी वन सी वन सी टू जो कि हमारे पास कितनी आ गई वन आ गई है ओके अब देखिए फॉर्मुले में पुट कर दीजिए तो डी स्क्वायर मीन्स वन आर वन स्क्वायर कितना माइनस वन बाई टू हो जाएगा आर टू स्क्वायर कितना हो जाएगा वन बाई टू बिकॉज रेडियस इनकी कितनी आई थी वन बाई रूट टू वन बाय रूट टू आई थी तो स्क्वायर कर दिया तो वन बाई टू वन बाय टू आंसर कितना आ गया जीरो आ गया तो आंसर थीटा इक्वल टू कितना हो गया बाय बाय टू अब इससे भी सिंपल कन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ एक होता ऑर्थोगोनोलिटी का कॉन्सेप्ट तो देखिए यहाँ पर यदि देखा जाए तो टू जी वन जीतो तो टू इन जी वन कितना आएगा वन बाई टू और जी टू कितना आएगा इसका वन बाय टू और प्लस टू एफ वन एफ टू तो प्लस टू एफ वन कितना आएगा वन बाई टू और एफ टू कितना आएगा यहाँ से देखिए माइनस वन बाई टू तो साफ साफ दिख रहा है कि ये कितना आ रहा है टू जी वन जी टू प्लस टू एफ वन एफ, वन एफ टू की वैल्यू कितनी हो रही पूरा कैंसिल होने से जीरो आ रही है और अगर ये ऐसी कंडीशन आती है तो ये होती कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी तो यहाँ पे ऑर्थोगोनलिटी लग रही है तो इसलिए दोनों जो कर्व होंगे यहाँ पे दोनों जो सर्किल होंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे ऑर्थोगोनल मतलब कि परपेंडिकुलर इनके बीच का एंगल बनेगा तो ये रहा एक कंसेप्ट ओके सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे कि x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टेन इक्वल टू जीरो तो आपको वैल्यू चाहिए है x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टेन इसके पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था दूसरे टाइप का इसी क्वेश्चन को कराया था बट हमने उसको क्वाड्रेटिक से लेकर कराया था अब इसी क्वेश्चन को देखिए थोड़ा टेक्निकल वे में हमने किया है x माइनस वन अपॉन एक्सप्ल टेन इक्वल टू जीरो है तो मैंने दोनों तरफ इसमें टेन ऐड कर दिया ओके okay, तो एक्स प्लस टेन माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टेन इक्वल टू टेन एट टेन बोथ साइड अब मेरे को क्या चाहिए यहाँ पे प्लस चाहिए है ठीक है ना तो यहाँ पे मेरे पास सपोज ये ए माइनस बी दिया है तो मैं ए प्लस बी मेरे को चाहिए तो ए प्लस बी कितना होगा एक्स प्लस टेन प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टेन तो रूल क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस फोर ए बी तो ए माइनस बी अपने पास कितनी है टेन है तो टेन का होल स्क्वायर प्लस फोर इन एक्स प्लस टेन एंड वन अपॉन एक्स प्लस टेन जो कि बी है कैंसिल हो गया तो ये मेरे पास कितना आ गया वन हंड्रेड फोर तो एक्स प्लस टेन प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टेन इक्वल टू वन हंड्रेड फोर सो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टेन इक्वल टू अंडर रूट वन हंड्रेड फोर माइनस टेन सो इसको लिख सकता हूँ प्लस माइनस टू रूट ट्वेंटी सिक्स माइनस टेन और ये हो जाएगा टू कॉमन लेने पर प्लस माइनस ट्वेंटी सिक्स माइनस फाइव जो कि बहुत जल्दी हो गया और उससे इसमें गलती भी कम होने के चांसेस है थोड़ा जल्दी हो गया ये ओके तो आप जो भी मेथड इसके पहले भी मैंने यही क्वेश्चन कराया था बट दूसरे मेथड से कराया था अब आप जो चाहें बेहतर लगे आपको आप उसको करिए चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेशन एंड फंक्शन का लेते हैं क्वेश्चन कह रहा है इफ फंक्शन एफ इज डिफाइंड फ्रॉम रेशनल नंबर टू रेशनल नंबर इज डिफाइंड बाय द डिफाइंड बाय द रिलेशन एफ एक्स इक्वल टू थ्री एक्स माइनस फोर यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू रेशनल नंबर वेयर क्यू इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर तो बताना है आपको फंक्शन कैसा है मैनी वन ऑन टू है वन वन इन टू है वन वन ऑन टू है या मैनी वन इन टू है चलिए इसको सॉल्व करते हैं तो लेटेस्ट सपोज दो इसके डोमेन जो है आपका रेशनल नंबर है और इसका कोड डोमेन भी रेशनल नंबर तो दो इनपुट हमने मान लिया एक्स वन और एक्स टू सो वन वन प्रूफ करने के लिए हमने मान लिया आउटपुट एक्स एक्स वन इक्वल टू आउटपुट एट एक्स टू सॉल्व करने पर हमारे पास आ गया एक्स वन इक्वल टू एक्स टू इसका मतलब ये वन वन है तो ये ऑप्शन मैनी वन ये तो कैंसिल हो गया जो भी आंसर होगा इन दोनों में से होगा अब इसके बाद है फॉर ईच वाई बिलोंग्स टू क्यू मतलब कि यहाँ पर देखिए अब इसको ऑन टू प्रूफ करना है तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई इनपुट आउट इनपुट एग्जिस्ट करता है और उसके लिए एक्स आएगा कि नहीं आएगा तो ये देखते हैं ओके सभी वाई के लिए एक्स सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा तो यहाँ पर देखिए हमने क्या ले लिया यहाँ पर हमने एक्स की वैल्यू ले ली है एक्स इक्वल टू वाई प्लस फोर वाई थ्री मतलब यहाँ पर अब जो एक्स है वो वाई की फॉर्म में है एक्स जो है वो किसकी फॉर्म में है वाई की फॉर्म में है देखते हैं क्या हर एक एक्स के लिए वाई उपलब्ध है क्या पूरा का पूरा फंक्शन वाई जो होता है पूरा का पूरा कोडोमेन हमारे पास एज अ रेंज हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा हम ये देखते हैं तो हमने एक्स को वाई की फॉर्म में लिखा हमने सॉल्व किया एफ एक्स और हमने देखा एक्स की वैल्यू के लिए पूरा का पूरा जो कोडोमेन है पूरा का जो पूरा कोडोमेन है वो रेंज की फॉर्म में हमको मिल चुका है इसका मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन हैज अ प्री इमेज इन क्यू मतलब कोडोमेन के हर पॉइंट की प्री इमेज आपकी डोमेन पे बैठेगी इसका मतलब ये फंक्शन क्या होगा ऑन टू होगा तो ऑल टोटल ये फंक्शन क्या हो गया वन वन ऑन टू अगला क्वेश्चन ग्रुप थ्योरी का है देखिए क्या कह रहा है कह रहा है इफ जी इज द ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन मतलब ऐसे लिखते हैं जी इज इक्वल टू यहाँ लिख दिया मैंने ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू एन एंड ऑर्डर ऑफ एंड एज इज अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर एम और एच जो है इसका वो सब ग्रुप है ऑफ ऑर्डर एम तो इसका रूल क्या होता है कह रहा बताइए एन इक्वल टू एम कोई ज़रूरी नहीं है एन इक्वल टू एम एन डिवाइड्स एम मतलब एन को एम डिवाइड करेगा एन को एम डिवाइड करेगा एंड एम मतलब एन को एम डिवाइड करेगा एन डिवाइड्स एम सॉरी उल्टा बोल गया इंग्लिश हिंदी में थोड़ी मिस्टेक हो गई एन डिवाइड्स एम मतलब जो एन होता है वो एम को डिवाइड करता है तो एन तो ग्रुप का ऑर्डर है तो गलत हो गया बिल्कुल बात गलत है ये तो क्या होगा एम डिवाइड्स एन मतलब एम जो है एम डिवाइड्स एन एम जो है वो किसको डिवाइड करता है एन को डिवाइड करता है देखिए इंग्लिश थोड़ी ऐसी लिखी हुई है कि आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए एम डिवाइड्स एन मतलब एम जो है वो एन को डिवाइड करेगा सही बात है बिकॉज जो ऊपर है एन का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप और नीचे एम का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ़ सब ग्रुप तो ऑर्डर ऑफ़ ग्रुप जो होती है वो ऑर्डर ऑफ़ सब ग्रुप का क्या होती है मल्टीपल हुआ करती है तो लिख लीजिए ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज़ द मल्टीपल ऑफ ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप ओके और ये जो होता है ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप जो होता है वो डिवाइजर होता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप का ठीक है ना तो इसको क्या करेगा ये डिवाइड करेगा